वाइफ को फॉलो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था लाइफ में, कि ये नहीं पता था क्या रियलिटी निकलेगी, सच निकलेगा। 8.5 साल की रिलेशनशिप थी, एक बेटा था 7 साल का। चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, फेसबुक पे लगे रहना, व्हाट्सअप करते रहना। स्कूल की जॉब है, दोपहर में 2:30-3 बजे ख़त्म हो जाती है। शी वॉज नॉट रेगुलरली कमिंग एट टाइम। मेरे में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, मैं भी अपना काम, बिजनेस, स्कूल, जॉब छोड़ के मैं भी स्कूल के आसपास ही रहता था। भावना मैम को हायर करने से पहले भी मैंने किसी को बाहर से पैसे दे के पीछे फॉलो करवाया था, बट मैं फेल हो गया हूँ, पता नहीं लगा पाया। दैट्स वाई आफ्टर दैट कि आई डिसाइडेड फॉर डिटेक्टिव एजेंसी। फिरोजाबाद से आने की बात करेंगे तो जब मैं आई थी तो सिंपल एक ग्रेजुएट थी मैंने, ऐसा कुछ भी मेरा बेस नहीं था, बस मुझे ये था कि कुछ डिफरेंट करना है, मेरा अपना नाम हो, कुछ ऐसा सोचा हुआ था। पेपर में रिपोर्टिंग कर रही थी तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो उसको छोड़कर एक ऐड निकली हुई थी टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी में, मैंने उसको ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मुड़कर देखने की। भावना बालीवान मैम नहीं होती तो शायद पता नहीं मैं कहाँ था। उन्होंने उस टफ टाइम में भी रात को 2-2, 2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक वो इस केस पे लगी रही। एक मॉरल सपोर्ट जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे दिया, शायद मैं सेक्रेटरी से ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद करी। मैं उनको एक बड़ी बहन का दर्जा देता हूँ। शेयरिंग करते हुए एक बार के लिए लगता है कि हाँ एक गाइडेंस मिलेगी। वाइफ का जो मैटर होता है एक ऐसा मैटर होता है हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, मेल से शेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। एक दिन यानी सैटरडे का दिन था, वो 13 वुमन उस दिन था, 13 मई, शॉपिंग मॉल, डीटी मॉल। जब वहाँ पहुँचा तो देवर किसिंग एंड हगिंग द साइड वॉल्स। मेरे पास वो बैगर एंड चोजर अपनी फैमिली लाइफ बचाने के लिए, मेरे को ये लगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा ये इशू। 13 मई को मैंने उसको पकड़ा था और 1 जून का वो दिन था जिस दिन मेरे फादर इन लोगों कॉल आई फ्रॉम पुलिस कॉन्स्टेबल। हम लोग फटाफट गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि गाड़ी के पायदान में आग लगी हुई थी, गाड़ी में धुआं निकल रहा था। मैं गिल्टी कॉन्शियस होने लगा, मेरे को लगा उसने कहीं सुसाइड कर लिया। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सबसे पहला अगर कॉल किसी को मारा था वो भावना मैम को मारा। भावना कहती तू चिंता मत कर, वो मरने वालों में से नहीं है, वो मारने वालों में से है। इन बिटवीन मेरे को ये पता लगा जी मेरे अगेंस्ट और मेरी मदर के अगेंस्ट FIR कर दी गई है। मेरी मदर डिपार्टमेंट टेलीकॉम में एक सीनियर बॉस भी थी। अठारह दिन फांसी के फंदे पे लटके रहे, बहुत मुश्किल। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन भावना मैम के थ्रू मेरे को उसका नंबर मिल गया, टेलीफोन नंबर जो वो लेटेस्ट यूज़ कर रही थी। मैंने वो नंबर पुलिस के दिया कि मेरे को ये नंबर मिला, आप इस नंबर की इन्वेस्टिगेट करो। पुलिस वालों का सीधा सवाल भी, तेरे को ये नंबर कैसे मिला? मैं कहा मैंने डिटेक्टिव एजेंसी हायर की थी। क्योंकि यार तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी हायर करनी है, हम इन्वेस्टिगेट तो कर रहे थे। मैं कहा इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे, आप लोगों ने तो सीधा मेरे को लटका देना था। विद इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर उनके थाने में एंड शी वॉज स्टेइंग देयर, और 15 दिन उनको लग गए ये जानने में जबकि हमें 1 हफ्ते में पता लग रहा है। आई वॉज शॉक। अगर हमारे पास लीगल अथॉरिटीज हो तो वो उस काम को हम 2 दिन में कर सकते हैं, जो हमें 20 डेज या 30 डेज या 10 दिन लगते हैं वो हमारे 2 दिन का भी काम होता है कई बार। हम लीगलाइज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो हमें फैसिलिटी या जो भी अथॉरिटीज मिलनी चाहिए एक प्रॉपर, वो हमें नहीं मिल पा रही है। यूनिफॉर्म तो अपनी जगह खुद में पहचान होती है, और जो जो डिटेक्टिव है उसकी तो कोई पहचान ही नहीं है, वो तो अपना नाम भी नहीं ओपन कर सकता अपना कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ।
या यहाँ पर खड़ा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, उसको अपने माइंड से ही निकलना होता है इन सब चीज़ों से। एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आता था तो अचानक उसमें पिक्चर के समय फोटो था आर्टिकल, तो उन्होंने देखा, देखकर फिर फ़ोन आया मेरे पास कि आप तो सिंपल ऑफिस में काम कर रहे थे, ये क्या काम है आपका। मैंने कहा क्या किया, आप पता लग गया तो छोड़ो फिर और क्या है। कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, हमारी जो फैमिली थी तो आप कह सकते हो एक छोटे से गाँव में हम लोग ज़रूर थे, लेकिन एजुकेशनल वाइज या जो हमारा एटमोसफियर था वो अच्छा था। हमारी जो कल्चर है, अगर एक वुमेंस कहीं भी थोड़ी देर खड़ी होती है तो कोई भी उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि आप आधा घंटे से खड़े हैं, तो लोग पूछने लगते हैं कि बेटे आप यहाँ एक घंटे से खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, जबकि मेल खड़ा होता है तो उसको कोई नहीं पूछता। तो इसका एक ड्रॉबैक हमारे साथ में आता है, बट इन्वेस्टिगेशन में अगर आप कहें तो वुमेंस ज़्यादा बेस्ट है। वो इसलिए कि वुमेंस कहीं भी जाकर एडजस्ट हो सकती है, और जिस तरह से लोगों को उससे संप्रति रखते हैं तो उसी संप्रति का वो लोग हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। डिस्कशंस यूजेस करते हैं, जैसे कभी प्री मैरिज इंक्वायरी थी किसी रॉय, मतलब आप कह सकते हाई क्लास फैमिली थी दोनों की, तो लड़का यहाँ पर गुड़गांव में रह रहा था अकेला, तो 15-20 डेज पहले लड़की को डाउट हुआ कुछ कि भाई लड़का कुछ मुझे डाउट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों ने फिर इंक्वायरी की, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था लड़के के घर में रूम में एंटर होने का, उसके यहाँ बस यही था कि मेड जाती थी काम करने और वही हमें बता सकती थी या फिर वो हमें उस घर तक पहुँचा सकती थी। फिर बात की मेट से, तो उस टाइम पर मैं मेट का डिस्क्राइब किया था, यहाँ से जाती थी सर अपना ठीक से गाड़ी वाड़ी लेकर, और वहाँ पता लगा कि साड़ी वाड़ी गंदी सी करके और झोपड़ी में बैठी चला था। वो हफ्ते भर के करीब काम उस मेट के साथ दोस्ती की थी, काम के बहाने मैंने वहाँ पर उनकी वीडियो बना ली थी जब वो उसके पास गई थी, क्योंकि उसके अपने मेट के साथ ही रिलेशनशिप थे, और कुछ एक दो चीज़ें मेट ने ऐसी बताई थी कि जो उसी को पता हो सकती है जिससे फिजिकल रिलेशन हो उसके। मैं करना चाहती हूँ, जैसे आजकल हमारे जो रोड पर भिकारीज हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कि भिकारीज ना बने, क्योंकि मेरे सामने कोई इंसिडेंट हुआ था जहाँ मैंने देखा अच्छा खासा बच्चा था और अगले दिन उसकी टांग कटी हुई थी, तो वो एक दिमाग में ज़रूर चलता है। अब ये जो परमानेंट अगर आप कह सकते हैं 6-7 लोग हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं वुमेंस डिटेक्टिव समझ के, वो लोग कहते हैं क्लाइंट्स कि भई ये मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर वेरीफाई करना है या मुझे गर्लफ्रेंड पर वेरीफाई करना है, तो आप उसको ट्रैक करा दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी लड़के को अगर ऑफर करोगे तो कोई भी लड़का आपके झांसे में आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं उसको करेक्टरलेस नहीं बोल सकती उस मैटर पर, मुझे इसलिए मैं कभी इसके इस तरह के केस कभी नहीं लेती। हम अपने दायरों को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, अपनी करेक्टर को बिल्कुल हाई रखते हुए हम डीप इन्वेस्टिगेशन पे जाती हैं। मैं गई थी बहुत टाइम पहले आज तक के चैनल पे, तो उन्होंने विश कन्या वाला कोई क्वेश्चन मुझसे उठाया था, जिसलिए मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया था कि विश कन्या वो नहीं है। मैंने कहा लगता है आपने इतिहास को ठीक से स्टडी नहीं किया। आई एम राइट जान? असल में होता क्या कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इन्फॉर्मेशन निकालेंगी, ऐसा नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है स्मार्टनेस से, आपकी अपनी इंटेलिजेंसी, सामने वाले की वीकनेस। एक मर्द की वीकनेस क्या है? नेचुरली फीमेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मर्द के पास अगर एक फीमेल जाती है और उसको थोड़ा सा महसूस कराती है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन रही है, तो नेचुरली सामने वाला उस इन्फॉर्मेशन को सामने देना शुरू कर देता है। दैट्स ऑल।
अपनी कंपनी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं और अदर कंपनीज में कभी गई नहीं। हमारा हनी ट्रैपर तो ज़्यादातर फ़ोन पे ही होता है, हम हंसते हैं ना उसको हम हनी ट्रैपर कहते हैं, हम हंस के जितनी भी इन्फॉर्मेशन सामने वाले से निकालें। मैं भी, मुझे याद नहीं आता या हमारे स्टाफ से कोई भी लड़की ऐसा कभी फेस टू फेस किसी के पास इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं गई। मैंने जो कुछ सीखा अपने हस्बैंड से ही सीखा है। जब पहली बार इन्होंने मुझे अपॉइंट किया तो इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि ये डिटेक्टिव एजेंसी है। धीरे धीरे जब केस आने लगे इन्होंने मुझे बताना शुरू किया तो मैंने कहा वाह वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो इन्होंने फ़ोन पे टॉकिंग मुझे सिखाई कि तुम ऐसे कॉल करो, मैं तब भी नहीं कर सकी। मैं एक डर था कि नहीं सामने वाले ने पकड़ लिया कुछ हुआ। फिर एक दो बार किया तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आया, इनका बहुत सपोर्ट था, आज भी है। तो फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे काम। उसके बाद तो फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम लोग साथ में, अब तो जब भी हमारा केस होता है तो नॉर्मली हम साथ में ही जाते हैं अगर लोकेशन बेटर होती है तो। साथ में जाने से क्या है कि एक तो कहते हैं फैमिली टाइम पूरा मिलता है, क्वालिटी टाइम आपको मिलता है, क्वालिटी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना इन्जॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, पैसे की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्लाइंट का दिया हुआ पैसा होता है तो आप उस पैसे को इन्जॉय भी करते हैं और साथ में रिजल्ट भी देते हैं। अगली बार से देगा नहीं तो क्लाइंट खुश होगा ना कि भाई मेरे काम को करने के लिए दो पैशनेट कहते हैं डिटेक्टिव जा रहे हैं। कभी भी एक शिष्य अपने गुरु को कभी भी एडवाइस नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सोचते किसी और लेवल पे हैं। जैसे मैं लेडीज मेंटेलिटी की हूँ तो मैं किसी और लेवल पे उस केस को सोचती हूँ। एक रेप केस आया था इनके पास सोनीपत का, जिसके ऊपर एक केस लगाया गया था, उसने मुझे हायर किया कि संजीव जी मेरी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे गलत फंसाया गया है। ये मेल करेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहे थे, मेल से कुछ निकालता हूँ। मैंने कहा क्यों ना उस फीमेल को ट्रैप करते हैं। तो मैं कहा लेडी को मैं अच्छा ट्रैप नहीं कर पाऊंगा, लेडी को आप अच्छा ट्रैप कर सकती हैं। मैंने उससे फ़ोन पे की बात की, फिर मैं गई उसके पास, कैमरा हिडन लगा लोगों के, फिर मैंने उसको ट्रैप करना स्टार्ट किया। फिर मैं थोड़ा सा रोई भी, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक लड़के ने मुझे वो कर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको ट्रैप करो ताकि वहाँ से जो हमें पेमेंट मिलेगी वो हम 50-50 कर लेंगे। हमें पता चला उसके रिकॉर्ड्स में कि वो किस से मिली हुई है, तो उस आदमी के बारे में पता, उस आदमी का मैंने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। कम से कम एक हफ्ते का पूरा ऑपरेशन था ये हमारा। फिर उसके बाद मैं लास्ट मोमेंट में उससे मिलेंगी, फिर मैंने उसको बोला ऐसी ऐसी बात है तो आप कुछ कर सकती हो मेरे लिए, कुछ किया आपने? फिर उसने उसी कि मैंने एक को फसाया ऐसे, ऐसे लिया तो और लोग फंस जाते हैं, लोग जल्दी पैसा निकाल देते हैं, लोग डर जाते हैं। तो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आज मेरे ख्याल से कोर्ट एविडेंस भी लग चुकी है कि वो लेडीज थी ऐसी। फिर पता नहीं उसका प्रोफाइल हम लोगों ने क्लियर कर दिया। ये हम दोनों का ऐसा ही बेस्ट होता है, क्वालिटी टाइम। सुबह से हम दोनों बहुत बिजी होते हैं, यहाँ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, प्यार भी करते हैं। चले डाली, जहाँ तक मेरा मानना है इन्वेस्टिगेशन कोई किसी को सिखा नहीं सकता। हमारी मॉम्स तो काफी साल पहले से हमारी इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि बच्चे कॉलेज गए हैं, दोस्त के साथ घूमने मूवीज तो नहीं गए हैं। बस फर्क इतना है कि आप लोगों को पेमेंट मिलती है सब, फिर हम विदाउट पेमेंट करते थे। तो मैंने कहा यस, आज मैं भी एक मदर हूँ तो आज मॉम की वो बातें मुझे याद आती कि यस मॉम ठीक कहती थी। आज से 10 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस वक्त सर्विलेंस ही हमारे लिए बेस्ट था कि किसी का पीछा करना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम जब से प्रोफेशन में आए तब GPS है हमारे पास और बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम बैठे बैठे पता लगा लेते हैं कि कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ मूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने फरीदाबाद में किया एक केस, एक लॉयर है वो, उन्होंने शादी कर ली थी किसी पार्टी से लेकिन वो तब भी अपने हस्बैंड के ऊपर केस लगा के बैठी थी कि मुझे उनसे 50% चाहिए। वहाँ पर फिर हमने अपने उसको दोस्त बनाया, हाय हेलो करी, मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स लेना है क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं किसी और के साथ सेटल होना चाहती हूँ। जो स्टोरी उसकी थी धीरे धीरे मैं उस पर आ गई क्योंकि मुझे पता था वो जो उसकी वीकनेस है उसी को बोलूँगी तो उसको थोड़ा दर्द आएगा, सिंपैथी आएगी मेरे लिए। फिर उसने अपने बारे में मुझे बताना शुरू किया, वो कहती नहीं मैं भी ऐसी, मैंने कहा आपकी शादी हो, दोस्ती हो गई थी, मैंने कहा आपकी फ्रेंड्स मतलब आपकी मैरिज हो चुकी है? कहती हाँ। मैंने कहा लगता तो नहीं, आप तो बहुत सिंपल रहती हो, जैसे मैं मांग बढ़ती हूँ आप तो नहीं बढ़ती हो? कहती नहीं ऐसे ऐसे मैं किसी और के साथ रहती हूँ रिलेशन में, पर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, जब मेरा डाइवोर्स केस हो जाएगा रैंसम मुझे वहाँ से मिल जाएगा उसके बाद मैं उसको ओपन करूँगी। फिर उसने जिसके साथ रह रही है उसके साथ मुझे पिक दिखाई कि देखिए आप ये हैं मेरे साथ। अब वो केस जीत गया हमारा क्लाइंट, बहुत खुश हुआ। वो आज भी यही सोच रही होगी कि एविडेंस आई कहाँ से इनके पास, क्योंकि
फिर मैं वापस आ गई तो फिर मुझे उसके कॉल आने लगे। मैंने कहा यार मेरा तो सेटल हो गया मेरे हस्बैंड के साथ, यार वो तो फ्रॉड था। मैंने कहा उसने तो मुझे डिच कर दिया और चला गया, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वापस आ गई और मुझे नहीं करना डाइवोर्स वाइवोर्स। अभी भी मेरी एक लड़की, 2 महीने से मेरी 2 लड़कियां लगी हुई है, अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे। एक हाई प्रोफाइल लड़के के बारे में पता करना है, हाई प्रोफाइल लड़का है। अब वो कैसे हो सकता था, क्योंकि वहाँ नॉर्मली नहीं जा सकते, वहाँ नीचे सिक्योरिटी है, लिफ्ट में सिक्योरिटी है, आइडेंटिटी कार्ड है अंदर जाने के लिए, वो हम नहीं कर सकते, हम बाहर की कर सकते हैं। कई कई महीने हम अपनी आइडेंटिटी को छुपा के काम करते हैं। ऐसे भी मेरे पास लड़कियां हैं, वो होती हैं फिर अनमैरिड जो यहाँ हॉस्टल वगैरह पीजी वगैरह में रहती हैं, मैरिड तो नहीं कर सकती, उनकी फैमिली है। जो बाहर कॉर्पोरेट के होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। अब आपकी टीम में 6 हैं, मैं वो केस डिस्क्लोज करूँ, मुँह गलती से नाम निकल जाए, उन लड़कियों को कुछ हो जाए, तो वहाँ लड़कियों का फंसने का मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी को कुछ नहीं बताते, मेरे दोस्तों तक को नहीं पता है कि मेरा क्या काम है, क्योंकि मेरा काम कोई किटी पार्टी मैनेज करना नहीं है, मेरा प्रोफाइल इतना नहीं है, और मैं हिडन इसलिए रहती हूँ कि एक पार्टी हिडन रहनी चाहिए ताकि कहीं पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करें तो एकदम फाइंड आउट ना हो। कैमरा फेस करना सीखो, आईटी सिक्योरिटी में बहुत काम आता है। कुछ भी आप अगर कर रहे हो तो आपके ऊपर एक, आपको पता है कि 2 आईज हैं जो आपको देख रही हैं हर वक्त, लेकिन हाँ फिर उससे आप खुद भी इतना स्मार्ट होते जाते हो। अगर पुलिस नहीं होगी तो थीफ और स्मार्ट होगा नहीं। बहुत घर पे अच्छा नहीं लगता वैसे, तो ठीक है घर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन रहती है। हम लोगों का सेल्फ डिफेंस सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमसे कोई फाइट नहीं करेगा। अगर हमें किसी ने इन केस उससे पता चल गया हम उस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, क्या करेगा वो, उठ के शोर मचाएगा, उठ के पुलिस को कॉल करने को बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, वो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि मैं उसको कैसे डिट्रैक्ट करूं। मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान का सेल्फ डिफेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कुछ अभी कभी देखा नहीं मैंने, लेकिन हाँ आई नो दैट शी नोज एवरीथिंग। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वुमेन डिटेक्टिव्स बहुत कारगर हैं, बहुत ज़्यादा शानदार हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर क्वालिटीज़ पैदा हों इसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे सोसाइटी के अंदर, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है। क्योंकि अगर लेडी मान लीजिए बहुत एजुकेटेड है तो वो इस फील्ड में इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरली इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्वामी आप बता सकते हैं इसको पहन के इसमें क्या डिफरेंस है? सही दिखाइए सर, इसको पहनने से मुझे पीछे बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, एक जन है जिसने पिंक कुर्ती पहनी हुई है, एक ब्लैक शर्ट में है। वेरी गुड, यहाँ पर फ्लास्क है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, टॉय रूप में कैमरा है इस कार के शेप में, ये सेफ्टी टॉर्च है, तो दबाने से आदमी को लगता है और वो कुछ सेकेंड के लिए पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे कि एज पर द नीड आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब ऐसा ना हो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में एक 5-स्टार होटल में हमने इस्तेमाल किया टाई कैमरे का, जो भाग कर आना पड़ा उनको गेट तक उस रिकॉर्डिंग करने के लिए, और एक दो मरतबा जो टाई उड़ के उनके चेहरे पर पहुँच गई तो उन्हीं का चेहरा या दांत आ रहे थे उसमें। तो इट शुड नॉट हैपन। कहीं पर भी जाने से पहले पूरी तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हिरण का शिकार करने जाते हैं जंगल में तो शेर का सामान साथ में लेके जाना पड़ता है कि किस मुकाबले पे शेर से सामना हो जाए। तो आपको 2-3 इक्विपमेंट लगाने चाहिए। गर्ल्स की एक्सेसरीज में आप स्पाई कैमरा यूज़ कर सकते हैं,
नेकलेस है, पेंडेंट में लगा सकते हैं, इयररिंग्स है, पर्स में आप अपना छोटा सा होल करके कैमरा फिक्स कर सकते हैं, बैंगल्स कोई अगर आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है उसमें आप स्पाई कैमरा लगा सकते हैं, तो जो इजीली डिटेक्टेबल नहीं है. यू सी सर्वेलेंस इज अ बिग आर्ट, इट हैज गॉट टू बी लर्न्ड. ओवरनाइट यू कांट बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस. सपोजिंग यू आर वेयरिंग सम अटायर व्हिच आस्क अ मैन टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू यू ऑन दैट. So you are unnecessarily attracting any attention. You've got to be looking very ordinary. You've got to be merging with the crowd around you. Gumnaam hai koi, badnaam hai koi, kisko khabar kaun hai wo, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई. गुमनामी अगर डिटेक्टिव के लिए तो बहुत ज़रूरी है. वो अपने एग्जिस्टेंस को रिवील ना करे वही उसके लिए बेटर है. जितना छिप सकता है उतना ही उसके प्रोफेशन और उसके लिए फ़ायदेमंद है. वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल्स में होता था एक इंस्पेक्टर रघुवीर जो सारे केसेस सॉल्व कर लेता है, जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो वो मेरा फेवरेट करेक्टर है. जैसे हम किसी लड़की का पीछा करने के लिए गए, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैठी है, तो अब आई या नहीं आई हम उसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अच्छा पीला गुलाब दिखा कि नहीं दिखा. लड़कों के लिए आई टॉनिक हम यूज़ कर लेते हैं. आई टॉनिक मिला नहीं मिला. अगर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैगवार लेवल का है, तो उसको जैगवार यूज़ कर सकते हैं. मम्मी को शायद नहीं पता चलता उतना. पहले मैं डर जाती थी, कहीं भी जाती थी मैं बहुत घबरा जाती थी. मुझे लगता था अगर मैं अंडरकवर बन के जा रही तो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं. फिर ट्रेनिंग ली, उसमें हमको सिखाया कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको नॉर्मल बिहेव करना है. तो अब उतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब कहीं भी हम जाते हैं, इवन हम अगर वो गैजेट्स भी कैरी कर रहे होते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में जाते हैं. किसी को भी नहीं डाउट होगा कि ये स्पाई कैमरा लेके गई है या ये स्टिंग करने के लिए आई है. ये गई थी एक बार तो हमने इनको मना कर दिया. हम डर गए, हमने कहा समय बहुत ख़राब है, कोई तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा. तो उस केस में उसका क्योंकि पूरा वीडियो बना रही थी, मैं भी थी, मेरे साथ में एक और कलीग भी थे, तो ऑब्वियसली वो बनाएंगे तो मेरा भी आएगा. अगर बात करते हुए ले रहे हैं तो मेरा फेस भी था. हमारे मन में यही ख्याल रहते थे कि जो करवाने वाला है ना उसको तो छोड़ देंगे लोग, और ये जरा से पीछे पड़ जाएंगे, इनके पीछे पड़ जाएंगे. ऐसे बहुत ज़्यादा शॉकिंग केसेस होते नहीं हैं, जनरल केसेस ही होते हैं. तो ये तो डेली न्यूज़पेपर में ये लोग यही पढ़ते हैं, इनके लिए नॉर्मल बात है. उतना हाँ, ज़्यादा शॉकिंग लगने वाले ऐसे केसेस हैं नहीं. पेपर ऐसे ही भरा रहता है इन्हीं चीज़ों से. 6 बजे से 9 बजे तक आरती करवाते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं. इनका टाइम हो जाता है तो चिंता में वहीं बैठे रहते हैं. मम्मी तो है, एक दो आंटी लोग भी हैं, वो सब भी डांटते हैं. नीचे से ही शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग. कि फोन नहीं करती हो, बताती नहीं हो, इतनी चिंता हो जाती है. चिंता हो जाती है, ऐसे ही फोन कर देती है. जनरली बता देती हूँ, बता देती है. 8 बजे के बाद होता है तो बता देती हूँ. थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है इसमें, डिटेक्टिव अगर लड़की है तो, क्योंकि इनफेक्ट अगर लड़का भी होगा तो थोड़ा सा माइंड में आता है जो भी रिश्ता लेके आएगा वो पहले ये सोचेगा ये सबसे पहले हमारी सारी सीक्रेट निकलवाएगी. बिकॉज जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. उनको लगता है कि पता नहीं डिटेक्टिव का काम कैसे होता है, ये लोग कैसे करते हैं, किस लेवल तक जाते हैं. थोड़ा सा डिटेक्टिव का प्रोफेशन रिस्की है, तो यही सोचा है कि देखते अगर कोई पार्टनर मिलता है या शादी के बाद अगर हस्बैंड अलाउ करता है तो डेफिनेटली मैं अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलना चाहती हूँ. मान लीजिए आप कोई केस कर रहे हो
उसको केस करते करते आपको पता चलता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सही है, तो हमको ना चाहते हुए भी हमको अपने क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट केस में मैं चाहती थी कि हम सब्जेक्ट का फेवर करें, हम उसको बता दें कि उसका हस्बैंड ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो सर ने तब मुझे समझाया था कि जब आप बिज़नेस कर, जब आप इस प्रोफेशनल में उतरे हो तो अपने जो इमोशंस उनको घर पे रख के आओ, अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे डिटेक्टिव नहीं बन पाओगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए हमको पैसे या बेब देना ही होता है, तो ठीक है थोड़ा एथिकल थोड़ा अनएथिकल दोनों चलेगा। मम्मी से बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, सिस्टर से बात करती हूँ, दूसरा बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ। बुक्स पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक वो मेंटल वो मिलता है, पीस मिलता है, लगता है कि ठीक है यार जो भी होता है जो होना है वो हो गई होगा, सही गलत डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं होते हो। I started to write for Detective Digest and the managing director, he got it into his head that if you can write as good detective stories, come to Bombay, we have a vacancy. So you be the administrative manager there. So I went there and I enjoyed myself thoroughly at first. And real detection stuff that you can sink your teeth into, those kind of cases were very few and far between. Otherwise, as I said, it was run-of-the-mill suparis or run-of-the-mill espionage. So we have to place investigators as an intern. And the funny thing was that every time we place someone, within 3 weeks, their work would be so appreciated, they'd be given jobs. So eventually we'd lose these operatives, as we call them. Where this man came and told me that does this wall have ears? And I said, oh, go ahead. That's a question that almost everyone asked. And then there was this case of another man, I think he was from England or somewhere. He was searching for his lost daughter or something, and it was so sad. And I knew I can't help him. Right then, when he told me his story, and it was so evident that the girl had walked into the sea. But it's something you can't tell a father. I married a detective, yes. Every time we met, it would be a new story and following this and... My father was horrified. We come from a deeply patriarchal family. They were really embarrassed about me. Early days was pretty exciting. ब्रिज से नीचे चलना ठीक है। आई यूज टू लव कमिंग फॉर वॉक्स ओवर हियर, इट्स लवली, इट्स ओवर हियर। हमारा हो गया ना, तुम कहो शर्म नहीं करना, खाओ।
Then one day, something very strange happened. At a party at a friend's place, we met a Bengali woman, plump, self-assured and quite drunk. With a deadpan expression, she intoned, "I work for a private detective agency." Kia Dutt was to become one of our dearest friends. She told us hilarious story about a guy who was cheating on his wife with not one EMA, that is agency jargon for extramarital affair, but three. The character of the cunning, corpulent Madame Flora in the story, The House, is inspired by her. Somehow it's always been sexual. You know, like even Modesty Blaze and her dress and yeah, and it's never mind as she was talking of. And you need to have this, you know, woman oozing up from both ends to be of some importance. Correct. Which is really pissing off. Sorry, but it's... In fact, I had forgotten that she was a detective. I had forgotten myself. I remember nothing. Okay, this is one. The khata kolom me ontoto ketoki Bharatbarsher protom me goinda. There's one article which came out as early as 1982 October, which says a sleuth in a sari, a sleuth in a sari. Only if one has imagination can one get behind a criminal's mind and figure out how he operates. Trouble, she adds ruefully, is that on the job, your imagination can run away with you. You become almost paranoid and every birthmark seems to be a sinister knife wound. Oh, here I am as a publisher. Oh, so not a detective. No. And how attractive I looked then. You still are. Sorry. The cameraman is laughing. See, truly, how nice I looked. And one of the reasons I took up this profession was, of course, my sense of adventure. And secondly was this thing of, you know, breaking boundaries. And oh, I used to carry this Kanpuriya, it is called a flick knife. It was evil looking thing. You press a thing and the blade shoots out. You know, I don't have any celebrity fixation. So, but then plenty of celebrities used to come to us for marital stuff. And at that time, we had the beginning of those pens, the seeing pens, the recording pens, and pins and rubbish like that. God, it was. Like, that was more of spying, you know, how you can spy better. Bad words, you know, like bad words were used to describe women detectives because they were getting on the guy's nerves. So they'll use, like, the most rotten terms to say, ye chokri is giving you trouble. So, cease and desist kind of thing. I don't know what that Hindi word means, but it sounded so terrible. Run. Yeah. So, you're treated badly. And then, you know, suppose you have a case and the police somehow come in, which we always tend to keep the cops happy. The cops won't look at you directly. They'll look at the male accompanying you, you know, and the eyes will, they'll blink forever.
and that sort of thing. So it was difficult times. And I don't know if there's great improvement. I somehow doubt it. You see, information gathered through detectives is sometimes the only guarantee you have, because the legal framework in India is just so lax. Unlike the West, in India it does take a lifetime to get even a hearing date. If you have a relative who's taken away your property, you can have them spied upon, their weaknesses identified, and set them up in a trap. That's how you can get your rightful dues. Tell me, what are all these scams that you hear of? These are just people taking matters into their own hands, because the system is unresponsive and susceptible to influence. So detectives are used to draw people out, and once the spotlight is on them, they sing. So it is your own personal code. Some may say this can cause anarchy, but if the system won't respond, you have to use whatever means you have. I think sex for information is okay. And I especially adore the levels of research and strategy involved in seeking, tracing, and trapping someone. I'm a good girl, a good bad girl. And this bad boy, 15 years younger than I, did something very bad to me. And so I followed him to India to confront him. And when he refused to apologize, I just knew I had to take revenge. I walked into a detective's office and said, I want this guy to go down on his knees and apologize. I could have filed a rape case, but I didn't want him roughed up by the cops. I wanted to give it to him. So I hired the detective to tell me his routine, and I identified where to strike. Every day I'd sit and brainstorm. Aaj usse kaise thappar maroon, halka ya karara? So we got a courier person to fit a camera in a package and deliver it, so that I could watch his moves. This was after the AC repair guy couldn't fit a camera well. Then the car cleaner was used to stick a recording device in his dashboard. And I even used a software to delete all the files on his computer. But it showed up as a virus because it was American. But now I have a patch and can delete information in anyone's hard disk. I also hacked into his account and sent shots of his profiles on all the adult websites to his in-laws. I even bought a Chinese phone which converts a male voice to a female voice and vice versa. I tried it on my friends first, and even they couldn't figure out it was me. I made him think I was offering a business deal, and even got his travel details out of his wife because I sounded like a man. If only he had said sorry. But he didn't. And I turned his life upside down. हेलो कौन है हमें वो मॉर्निंग वाला क्रेडिट मिल एक सेकंड होल्ड करो हेलो हाँ जी तो आईपी एड्रेस में एक और सेम आईपी एड्रेस से ट्रांजैक्शन दिखा रहे हेलो ये वो गुड़गांव वाला केस स्टार्ट कर लो वी हैव रिसीव्ड द फंड्स दूसरा बेंगलोर में क्या चल रहा है मुझे उसका बताओ माय शेड्यूल इज़ टू हेक्टिक इन अ डे वी डू 65 टू 70 सर्वेलेंस पैन इंडिया देन इन्वेस्टिगेशंस केसेस आर सेपरेट देन यू हैव टोल फ्री कॉल्स विच रेगुलरली कमिंग इन प्लस यू हैव फोर ब्रांचेस सो फोर ब्रांच मैनेजर्स दे कॉल्स यू इस केस में क्या करना है मैम उस केस में क्या करना है
disputes around 17 years old. And Nidhi, being the backbone of this company, has been working with us since last approximately 8 to 9 years. Sometimes koi elderly person aata hai jaha main introduce karati hu, so her clear word is she's a director in the company and don't go on her looks. If you want, I'll show her age proof. It's like, please. Ashish. Hello. Baithe, baithe. CV? Ji. आशीष, आपकी फैमिली को पता है कि आपने ये ट्रेनिंग का कोर्स किया है? जी मैम। मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देती हूँ, हमें किसी को फॉलो करना है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपको पूरे दिल्ली दर्शन करा दे, और हो सकता है कि 12 घंटे सिर्फ आप घर के बाहर खड़े रहो और वो बाहर भी ना निकले। जी, कर सकते हो काम? ऑफ कोर्स मैम। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, एक लड़की का बैकग्राउंड चेक करना है जो घर पर ही रहती है, कैसे करोगे? नेबर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दूसरा इनका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, आस पड़ोस में होता है ना, कॉर्नर पर चाय वाला, सब्जी वाला हो गया या बारबर हो गया, उनसे बातचीत करके। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, लेट मी थिंक और मैं आपको बताती हूँ। वन मोर थिंग मैम, कोई आई कार्ड वगैरह मिलेगा? डिटेक्टिव एजेंसी कभी भी आई डी कार्ड नहीं देती है, दैट इज़ फॉर योर ओन सिक्योरिटी। आप कहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हो, इंक्वायरी के लिए गए हो, आप कहते हो कि मैं लोन वाला बन के इंक्वायरी करने जाऊंगा, और अगर आपकी वहाँ पे चेकिंग हो जाती है और आपकी पॉकेट से आईडी कार्ड मिल गया तो। Am I audible? Yes, sir. Okay, now tell me who is the person, how is he related to you? Yeah, he is my cousin's son. What's the age of that person who has gone missing? Yeah, his age is 16 years. So he is missing from Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. It's almost more than 2 months. So, what we can do in this case is, we will employ our full team there, and I want you to organize to search. Okay. So we'll take it from the top. We'll start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3. Whenever I'll get time, I do inform you, and then accordingly we'll catch up. Okay. Bye. Bye. You too. Yes. The CEO, they suspect, is passing on some information to the business competitors, right? Or maybe he is flanked by a business competitor only. So we are sitting here to have a brainstorming session that how can we resolve this case, and there is a deadline to this case. We have to submit our results within 30 days. Okay, so do we have access to his desktop? We can remove the hard disk? Our company can give an access to us. Original one we are going to send to the forensic lab. Right. And we are going to analyze whether he is doing something illegal. Does it belong to the company? Company owns it? The company owns it. We send somebody as a decoy customer. Why don't you form a company first? So we'll form a company basically. We are going to get a website prepared for that company, visiting cards prepared for that company. And this person agrees to take the commission, we'll make a sting operation. Any other suggestion here? I think we can do his assets check. Ki agar wo person 35 lakh ki annual salary earn kar raha hai and assets 2 crore ka hai during 1 year tenure, that means he is definitely taking commission. As per the government, detective agency are the one who can do inquiries on someone, who can do investigations. Whatever videos which we make, sting operations for income proof, for maintenance proof, for adultery case, are all legal evidences jo court mein valid hote hai. हमारी बॉम्बे ब्रांच ने केस बुक किया था, दे टोल्ड अस कि उनकी डॉटर को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इंडिपेंडेंट गर्ल है, काफ़ी टाइम से बॉम्बे में रह रही है, शी स्टार्ट गेटिंग वन मैसेजेस ऑन अ व्हाट्सएप फ्रॉम यूके नंबर, सो दैट वे दे स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर, देन लड़के ने बोला कि मेरी वेकेशंस चल रही हैं तो मैं तुम्हें बॉम्बे में मिलता हूँ, ही केम टू मुंबई, दे स्टार्ट मीटिंग, दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, जब भी वो उसके साथ पिक लेने की कोशिश करती ही अवॉइडेड टेकिंग हिज पिक,
These days, everybody has Facebook account. Weirdly, he don't have a Facebook account. He don't want to share his photograph. Then they come to know the real guy, that he is a sex maniac. He wants first is money. Second, he wants her place to bring girls there. Third, he wants girl brings girl for him. So it was a total blind case जहाँ पे उस boy को हमें ढूँढना है. Then उससे वो सारी videos recover करनी है. We traced that IP address. We found that वो IP address कांदीवली के किसी area का है और एक ही cyber cafe का use हो रहा है. So what we decide, हमने उस cyber cafe पे एक static watch रखा. जितने भी लोग cafe के अंदर गए हैं और बाहर आए हैं, हमने उन सब के faces अपने client को दिखाए. And then finally she identified, yes, this is a guy. So we have one important clue that we have finally the boy photograph. कि वो ऐसा दिखता है. मेरी टीम ने उसको फॉलो किया. वी एबल टू ट्रेस कि वो एक कांदीवली ईस्ट के फ्लैट के अंदर गया है. व्हेन वी डिड हिज इंक्वायरी वी फाउंड आउट दैट ही इज़ अ मैरिड गाय और फोर फैमिली मेम्बर्स, थ्री फीमेल्स, ऑल थ्री आर वर्किंग. बींग सिंगल मेल ही इज़ नॉट वर्किंग. हमने उसके घर पर रेड किया एंड वी रिकवर टू कैमराज, थ्री लैपटॉप्स, फोर हार्ड डिस्क, फाइव पेन ड्राइव्स एंड ही वॉज कैरिंग फोर और फाइव फोन्स ऑल्सो. जब हमने उसके लैपटॉप्स देखे, इट वॉज नॉट अ सिंगल गर्ल, देयर वर 18 गर्ल्स जिसके इस तरीके के वीडियोज़, फोटोग्राफ्स उसने अपने पास रखे हुए थे. उन सारी गर्ल्स को फ़ोन किया कि आपके ये वीडियोज़ इसके पास हैं एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग. एंड इट वॉज शॉक्ड कि वो उन सब गर्ल्स को भी ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा था जैसे हमारे क्लाइंट की डॉटर को कर रहा था. Privacy क्या होती है? Somebody is doing something inside the room. That is something is privacy. Whatever things you are doing on the public places. वहाँ पे CCTV cameras भी हैं, उनकी भी footages में आप आ रहे हो. Public transport like metro में, buses में जा रहे हैं. हम सिर्फ वही सारी चीज़ें record करें. So that's all our public. हम कहीं पर भी आपके private place में जा ही नहीं रहे. Sleuths India, the detective agencies won't do missing cats or missing animals cases. चीज मैं आपको बहुत छोटे से दिखाती हूँ, आप इसको ध्यान से देखना. ये तो मेरा कैंपस है. आप यहाँ से टैक्सी लेके निकले. ये आपका घर है? जी हाँ. ये वही टैक्सी है जिससे आप निकली हैं? ये किसी को ढूंढ रही हूँ. अब ये बताइए किसने, ये किससे पूछा है आपने कि गेट नंबर एक किधर पड़ता है? वैसे भी फ्रैंकली जब से मैं आप लोगों से मिली हूँ, अब मैं सारा वक्त आसपास देखती रहती हूँ. अगर किसी का कैमरा बाहर है या कुछ है तो मुझे लगता रहता है कि फुटेज सर्वेलेंस के लिए तो नहीं हो रही, नहीं हो रही. एंड ये सोचने के बावजूद भी मैं नहीं पकड़ पाई. क्या कैसा करें, लोगों के दिमाग में आया कि जिससे हम ये शो कर सके कि आपकी मीटिंग किससे हुई. तो जब आपके साथ जो लोग थे वो थोड़ी देर बाद बाहर निकले, वो ये रहे. अब मैं आपको ना एक वॉइस सुनाती हूँ, ठीक है? आप उसको मुझे रिकॉग्नाइज करके बताना कि वॉइस किसकी है. बहुत बढ़िया. आपको पता था कि आपकी मदर से बात हुई है? नॉट एट ऑल, आई हैव नो क्लू. आपको भी डिटेक्टिव्स को चैलेंज मत करना. नहीं, चैलेंज की बात नहीं, बट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा भी लग रहा था और एज अ सब्जेक्ट कैसा फील होता होगा, राइट? लेकिन सब्जेक्ट को तो पता ही नहीं लगता ना कि उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है. ये तो एक ओपन, आपके लिए मैंने ओपन किया. वैसे तो मैंने आपकी एक रिपोर्ट पूरी तैयार कर दी है. अच्छा, आप इसको पढ़ सकती हैं. ओके, व्हाट इज मैनी, आपकी रिपोर्ट में क्या क्या आया है? वाओ. बाकी आप शादी अगर करना चाहेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने, आप किसी को दिखा देना, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है उनको. अच्छा, एक इंसिडेंट और बताती हूँ. कलकत्ता में आपके साथ टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ बोला था उसने आपको?
जब आप उस टैक्सी में बैठे थे, आपने क्वेश्चन किया था उस टैक्सी ड्राइवर से कि भैया आपके लिए कौन सा सबसे यादगार दिन है, तो उसने कहा था आज का दिन मेरे लिए यादगार है। अभी आप सोचो उसने क्यों कहा था। What? ये चीटिंग नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है हमारा, ये चीटिंग नहीं है। कोलकाता कैसे पूछे अब आप सोचते रहिएगा मेरे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया काफी लोग होते हैं। वैसे खूब से जितने रिलेटेड थे आसपास में मुझे कि कलकत्ता गए हैं। हाँ नहीं कलकत्ता कलकत्ता नहीं बट कलकत्ता में मेरी टैक्सी ड्राइवर से क्या बात हुई वो कैसे पता चला? सुनील इनको वर्ड बाय वर्ड। बहुत बढ़िया खुलासा हुआ। मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। इसलिए मैंने आपको फुटेज नहीं दिखाई आपकी।